माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये खास फीचर है। ये खास फीचर आपको कहाँ मिलेगा? व्यू टैब में। तो देखिए ये रिव्यू है और इसके ठीक बगल में व्यू टैब है, और व्यू टैब में ये अलग अलग मोड है। जैसे रीड मोड है, तो अगर रीड मोड पे जाते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से बाहर आते हैं, प्रिंट लेआउट आपको दिख ही रहा है, इसी तरह से वेब लेआउट है, आउटलाइन है, तमाम तरीके के व्यूज हैं। लेकिन फिलहाल हमें व्यू टैब के अंदर जाने के बाद कहाँ जाना है? मैक्रोज पे जाना है। ये मैक्रोज दिखाई दे रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट और F8, यानी कीबोर्ड से अल्ट और F8 भी प्रेस कर देते हैं तो मैक्रो ओपन हो जाता है। अब ये मैक्रो वाली विंडो ओपन हुई है, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो दिखाई दे रहा है ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, वर्ड कमांड्स पे क्लिक करना है। क्या करना है? वर्ड कमांड्स। तो ये वर्ड्स कमांड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैक्रो नेम में आपको लिस्ट कमांड करना है। क्या करना है? लिस्ट कमांड्स। तो ये देखिए लिस्ट कमांड्स आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको रन करवाना है, रन, ठीक है। और हम करंट कीबोर्ड पर जो वर्क कर रहे हैं वही सारी शॉर्टकट्स हमें चाहिए। तो यहां से ओके करिएगा तो सारे शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाएंगे। देखिए ये सारा कीबोर्ड का शॉर्टकट है, देखिए, और ये पूरे 9 पेज का शॉर्टकट है। अब इसमें याद करते रहिए देख देख के, ठीक है, बढ़िया है ना।